हाय बेस्टी। सो आज की वीडियो है स्टोरी टाइम, बिकॉज बहुत दिन हो गए स्टोरी टाइम आई नहीं है और मैं ठीक भी नहीं हूँ, तो और कुछ बनाने के लिए भी नहीं है खास मेरे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी स्टोरी बताऊँ आपको अबाउट माई ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर, पहली बात तो वैसे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। और उन सब की नॉलेज आप गूगल से ले सकते हो या डॉक्टर से ले सकते हो, बट मैं जिस चीज से गो थ्रू कर रही हूँ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बट बेस्टी, उससे पहले आई एम गोना शेयर अबाउट माय फेवरेट प्रोडक्ट जिसको मैं हर दिन शावर के बाद यूज करती हूँ, जो कि है प्लम बॉडी लव इन मिस्ट वनीला वाइब्स। बिकॉज ये आपको पूरे दिन फ्रेश रखता है और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग है, एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्मेल गुड, राइट? आई लव द फ्रेग्रेंस बिकॉज दिस वेनीला बॉडी मिस्ट लीव्स यू स्मेलिंग स्वीट एंड वार्म लाइक अ टेम्पटिंग क्रीमी वेनीला कपकेक। इट्स ऑल्सो 100% वीगन एंड क्रुएल्टी फ्री। ऑल्सो आई हैव प्लम बॉडी लव इन परफ्यूम्स। आई हैव टू वेरियंट। One is Hawaiian Rumba. It smells like a fruity cocktail with the twist of vanilla and gardenia. Second, I have Trippin' Mimosas. It has zesty and citrusy fresh fragrance. These are mini perfumes and it stay for 10 plus hours. And I love their fragrance. Look at the bottle. It's very easy to carry. These perfumes are also 100% vegan and cruelty free. And bestie, it's very affordable, cost of only 295 rupees. So besties, if you want to smell good like me, then check out my description box and get yourself one. And don't forget to use my coupon code ROHI15 for 15% off on plumgoodness.com. So today we're gonna talk about eating disorder, which I have. सुना होगा आपने, काफी लोगों को होती है ईटिंग डिसऑर्डर। ना खाना भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है बाय द वे, लेकिन अब आप बिल्कुल नहीं खाते हो तो वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है। सो लेट्स स्टार्ट विद माई चाइल्डहुड। मेरा चाइल्डहुड का फूड का कैसा वो था। दिस वीडियो इज अबाउट फूड एंड ऑल, बिकॉज आप लोगों को पता है कि आई लव फूड। आई जस्ट लव फूड, मतलब मुझे फूड बहुत खुशी देता है और मुझे बहुत पसंद है खाना खाना और उतना ही खाने की फोटोज लेना। मेरे स्नैपचैट पे लोग पागल हो रखे हैं और लोग मुझसे बोलते रहते हैं आप इतना खाते हो, आप इतना खाते हो, आप ये भी खाते हो, आप वो भी खाते हो, इतना खाते हो, इतना खाते हो, आप इतना खाते हो फिर भी आप वेट लूज कर रहे हो। ये भी आता है मुझे बहुत, और मोस्टली लोग ये बोलते हैं इतना खाएगी तो कैसे वेट लूज करेगा उनके लिए तो। बट या पहली बात तो मैं उतना नहीं खाती हूँ बेस्टीज, वो सारी पिक्चर्स होती हैं मेरे घर पे। अगर अभी राजमा चावल बनेंगे तो मैं बाहर आऊंगी और किसी फोटो खींचूंगी, दैट्स इट। फिर मैं अपने रूम में जाके बैठ जाऊंगी, दैट्स इट। आई जो आपको इंटरनेट पे दिखता है, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आपको हर चीज इंटरनेट पे दिखती है वो सच्चाई नहीं है। मैं बहुत सारे खाने की फोटो डालती हूँ, मैं अल्कोहल तक की पिक्चर्स डालती हूँ। इट डजंट मीन आई ड्रिंक अल्कोहल, आई डोंट, सो इट जस्ट अ पिक्चर, ओके। तो उसको उसी वे में लिया जाए ना कि ओ माय गॉड आप इतना खाते हो, आप ये भी खा रहे हो, आप वो भी खा रहे हो। नहीं भाई, इतना नहीं खा सकती, मैं भी इंसान हूँ, इट जस्ट अ पिक्चर, ठीक है। सो ये मुझे क्लियर करना चाहिए करना था, क्योंकि आप लोग सब मुझसे पूछते रहते हो क्या कैसे करते हो आप, ये करते हो वो करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उतना नहीं खाते हैं हम लोग। अब लेट्स गेट इनटू द मेन टॉपिक अबाउट माय ईटिंग डिसऑर्डर। सो विल गेट स्टार्ट विद माय चाइल्डहुड। बचपन का तो मुझे इतना नहीं पता, बिकॉज मैं बहुत छोटी होंगी तो मुझे नहीं पता क्या था, बट मेरी मेमोरी बहुत छोटी है। बट मुझे याद है टीनेज से मुझे याद है कि मेरे खाने का क्या, खाने से मुझे कितना प्यार था और क्या था। सो जब मैं टीनेज में थी मुझे खाने से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, बिल्कुल भी प्यार नहीं था, मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं खाना ही नहीं खाती थी। लुक एट दिस पिक्चर, आई वॉज दिस पतली बिफोर, बिकॉज आई डोंट यूज टू ईट एट ऑल, मैं खाना ही नहीं खाती थी। दिस इज ईटिंग डिसऑर्डर। अगर आप खाना नहीं खाते हो ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो मैं बिल्कुल खाना नहीं खाती थी, मुझे खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मुझे लगता था सब क्यों खाते हैं खाना, अरे आई यूज टू फील लाइक ये लोग क्यों खाते हैं खाना, सेम खाना क्यों खाते रहते हैं। बैक देन वी यूज टू बी लाइक वी कांट अफोर्ड लाइक लॉट ऑफ थिंग्स, और
भगवान की कृपा से अभी तो हम बहुत कुछ अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है, बट बैक देन हम लोग ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते थे. तो मेरे घर पर रिपीटेडली एक ही चीज ज्यादातर बनती थी, ठीक है, जैसे दाल चावल काफी बनते थे, तो मैं दाल चावल अभी भी नहीं खा पाती हूँ. मतलब आई लाइक दाल चावल बट आई नीड अ सब्जी विद दैट, ठीक है. तो मैं बहुत ही वो थे कि यार हम एक ही चीज क्यों खाते रहते हैं, हम बार बार हम क्यों चावल खाते हैं, हम क्यों रोटी खाते हैं. वो मेरा माइंड सेट था, वो बिल्कुल मेरा माइंड सेट था, और इसीलिए मुझे वो चीजें खाना पसंद नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पसंद था. और अभी मेरा माइंड सेट क्या है कि ओ माई गॉड कार्ब्स, कार्ब मेक्स मी फील गुड, कार्ब गिव्स मी एनर्जी. तो अब तो मुझे वो उसका ऑपोजिट हो गया, बट पहले यही था कि मैं नहीं खाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि क्या सब ये खाना खा रहे हैं, और मैं खाना ही नहीं खाती थी. दैट्स वाई यूज टू बी वेरी थिन और बहुत ही पतली थी मैं, ठीक है, हड्डी बोलते थे मेरे को. और मेरी मम्मा यही बोलती है कि जब तूने ग्रो करने का टाइम होता है तब तुमने खाना नहीं खाया ढंग से, इसलिए तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी. बट वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेती क्योंकि वो ये नहीं मानती कि वो एक खुद एक छोटी हाइट वाली इंसान है, और उन्होंने भी मुझे छोटी हाइट वाली इंसान भी बना दिया है. तो या तो दैट वॉज माई ईटिंग डिसऑर्डर पहले. तो मैं उस टाइम पे कुछ नहीं खाती थी, और फिर उसके बाद जैसे जैसे मैंने ग्रो किया, जैसे मैंने 10th के एग्जाम दिए, तो उसके बोर्ड के एग्जाम के बाद आपको काफी 3 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, तो उसमें मैंने घर पे मैं रहती थी, तो उस टाइम पे मैंने खाना एक्सप्लोर करा. दैट टाइम आई यूज टू ईट अ लॉट, लाइक आई यूज टू ईट 4 or 5 आलू के पराठे. कैन यू बिलीव दैट, मैं उतनी पतली थी और मैं 4 से 5 आलू के पराठे खा जाती थी. मैं सुबह उठती थी, चार तो मेरा थे ही थे, और जैसे ही मैं जिस दिन मुझे और ज्यादा खाना उस दिन मैं 5 खा लेती थी, बट मैं 4 आलू के पराठे खाती थी विद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बटर. लाइक आलू के पराठे के ऊपर बहुत सारा बटर. आई यूज टू ईट दैट, यस, दैट्स हाउ आई गेन माई वेट. और मेरी बिंज ईटिंग वहीं से चालू हो गई, उसी पीरियड से. क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं वो चीज अपने आप को नहीं दे रही थी टीनेज में, फिर वो मेरे ऑल ऑफ सडन जब मुझे उसका टेस्ट आया, देन मैं बहुत ज्यादा अपने आप को बिंज ईटिंग करने लग गई. मैं बहुत ज्यादा खाने लग गई, हर चीज मैं ओवर ईट करने लग गई, और मैं इतना खाया, मतलब मैं पराठे एकदम ऐसे खाती थी कि मैं पूरा फुल हो जाती थी. तो मैं हर चीज इतना फुल फुल खाती थी उस टाइम पे. तो इस तरीके से आई स्टार्ट गेन वेट, मैंने खाना बहुत, मतलब वेट गेन करना चालू कर दिया, और काफी वेट बढ़ गया, मेरा वेट बढ़ता चला गया. एंड आई यूज टू ईट अ लॉट, ठीक है. मैं मतलब खाने का पोर्शन होता है, मैं इतना नहीं इतना खाती थी, पोर्शन बहुत ज्यादा लेती थी, और हर चीज में ज्यादा खाती थी, और मैं अलग अलग चीजें खाती थी, स्नैक्स खाती रहती थी, कुछ ना कुछ खाती रहती थी. तो दैट्स हाउ आई पुट अप माई ऑल द वेट, और उसके बाद वो वेट बढ़ता चला गया, और वही प्रॉब्लम बिंज ईटिंग की जो प्रॉब्लम है वो चलती रही. तो जो मेरा ईटिंग डिसऑर्डर है वो मेरे टीनेज से ही चल रहा है. टीनेज में मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, फिर जब मुझे रियलाइज हुआ कि फूड कितना अच्छा होता है, तो आई स्टार्ट ईटिंग, और फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम चलते चले गए, और वो कन्वर्ट हो गई बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में. सो बेसिकली बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें यू कीप ईटिंग. सपोज मेरा पेट भरा पड़ा हुआ है और सामने खाना रखा है, और मैं फिर भी उसको खा रही हूँ, दैट्स कॉल्ड बिंज ईटिंग और दैट्स कॉल्ड ईटिंग डिसऑर्डर, बिकॉज ये एक बहुत गलत सिम्टम्स है. अगर आपका पेट भरा पड़ा है, आप फिर भी खाए जा रहे हो, ठूसे जा रहे हो, विच इज वेरी रॉन्ग. तो आई स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है, वो मैं बहुत करने लग गई थी. काफी सालों मैंने वो किया, और तभी मेरा इतना बड़ा मुंह और इतना बड़ा शरीर हो गया है, ठीक है, जिसमें अभी मैं वो कर रही हूँ. आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस, ठीक है, और काफी लोग जाते होंगे इस चीजों से. काफी लोगों को नहीं पता होगा कि इसे ही ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं. यही है आपका ईटिंग डिसऑर्डर, आप एक डिसऑर्डर से जा रहे हो, और ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, हो सकता है, इट्स जस्ट अ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है. और मैंने पहले भी बताया है, ना खाना भी ईटिंग डिसऑर्डर है, तो विच इज अनहेल्दी, और ओवर खाना भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है विच इज अनहेल्दी. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ उसको कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली मैंने बना लिया है कि आई ईट एवरीथिंग बिकॉज आई लव फूड. मेरा खाने से बहुत प्यार है, आप सब जानते हो, और आप लोग भी मोस्टली मेरे से कनेक्टेड हो मेरे खाने की वजह से ही. रीजन एक खाना भी है मेरा, ठीक है, मेरे वीडियोस जो होती हैं उनमें मैं सबसे ज्यादा फूड दिखाती हूँ, और आप लोग सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हो. मेरे स्नैपचैट में मैं सबसे ज्यादा फूड दिखाती हूँ, और सबसे ज्यादा आप वहां कनेक्ट करते हो. तो ये सब चीजें मेरे से रिलेटेड हो गई है. तो अब क्या हो गया, मेरा लाइफ स्टाइल ही वैसा हो चुका है. बिंज ईटिंग को मैं सोचती हूँ कि मैं खत्म करूँ, बट मेरा लाइफस्टाइल ही वैसा हो गया कि आई हैव टू ईट एंड आई हैव टू शो यू ऑल कि ये मैं खा रही हूँ, ये ऐसे खा रही हूँ. तो मुझे एक रीजन भी मिल गया है कि हाँ, मैं आई कैन लाइक बिंज ईटिंग और भी ज्यादा,
बट आई एम वर्किंग ऑन इट. और वर्किंग में कैसे कर रही हूँ, मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि मैं कम से कम पोषण खाऊं. मैंने अपने में सुधार ऐसे ही लाया है कि जैसे मैं कोई चीज खाती हूँ उसको मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले बात मैंने बहुत ये ट्राई किया अपने ऊपर, आप भी ट्राई कर सकते हो अगर आप भी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से जा रहे हो तो. आप जो चीज खाते हो उसको ज्यादा चबाओ और आराम से खाओ. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आप ओवर ईट तब करते हो जब आप बहुत जल्दी जल्दी खाते हो, राइट? तो जब आप उसको आराम आराम से टेस्ट लेकर खाओगे तो फिर आप कम खाओगे. मेरे साथ तो ये चीज हुई है तो मैं आपको बता रही हूँ. आई होप ये आप लोगों के साथ भी हो तो आप ट्राई कर सकते हो. तो मैंने क्या किया, मैंने पोषण लिया, मैंने उसको आराम आराम से खाया और खूब उसे चबा रही हूँ, उसका अच्छा से टेस्ट ले रही हूँ, फिर मैं उसे खा रही हूँ. तो आधे मील तक पहुंचने पे मेरा हो जाता है, लाइक आई एम डन, आई एम फुल, लाइक आई डोंट वांट टू ईट मोर, ऐसा मेरा सीन है. तो ये बहुत वर्क कर रहा है मेरे लिए, आई एम वर्किंग ऑन दैट. तो ये चीज है, ठीक है. डाइट थोड़ा प्रॉब्लम करता ही है मुझे, बिकॉज मैं आई कीप ट्रैवलिंग, तो मेरी वो टूट जाता है, वो सर्कल टूट जाता है बार बार ट्रैवल करने की वजह से. और मैं बाहर भी जाती रहती हूँ बहुत ज्यादा, तो हर जगह आपको डाइट का खाना नहीं मिल पाता है अकॉर्डिंग टू यू. तो या इसीलिए थोड़ी डाइट फॉलो अप नहीं हो पा रही है. बट मैं कैलरीज की मैं काउंटिंग करती हूँ कि हाँ मैं कितनी कैलरीज खा रही हूँ, उसी हिसाब से मुझे खाना है, उसी हिसाब से मतलब ट्राई करना है कि कैसे कैसे अपने आपको अपने उसी हिसाब से मेंटेन करना है अपने फूड को और अपने आप को. तो दैट्स हाउ आई एम लाइक ट्राइंग टू फिक्स दिस. एंड आप भी कर सकते हो, बिंज ईटिंग छोड़ दो और जितना हो सके बॉडी को मूव करो अपने, लाइक जैसे सपोज आप रात को फ्री हो तो गो फॉर वॉक. अगर आप रात को फ्री होते हो तो मोस्टली लोग फोन पे कॉल पे बात कर लेते हैं या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या म्यूजिक सुनते हैं. तो बेड पे लेटे रहने से अच्छा है कि आप बाहर वॉक करो, स्क्रॉल करते हुए मत करना, मतलब म्यूजिक सुनते हुए या किसी से बात करते हुए आप वॉक कर सकते हो. तो उससे आपका क्या होता है ना, वेट भी वगैरह लूज होता है. वैसे ये वेट लूजिंग के बारे में नहीं है, बट इट जस्ट अ टिप बाय यूट्यूब फैमिली. सो या दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वाज, आई वांट टू टॉक अबाउट माय बिंज ईटिंग प्रॉब्लम और दिस इज माय बिंज ईटिंग डिसऑर्डर आई एम गोइंग थ्रू. लोग कहते थे आराम से कि यू आर ईटिंग अ लॉट, तुम लोग ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो. इट्स नॉट अस, इट्स एक्चुअली अस, बट इट्स नॉट लाइक कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू आर डिसऑर्डर जिसको हमें ही ठीक करना है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट. सो या ऑल दो आई लव फूड. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज बेस्टीज. और प्लीज सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, हम 400,000 पहुंचने वाले हैं. एंड आई लव यू ऑल एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. अगर जो भी फ्रेंड को डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम सो दे ऑल्सो नो कि हाँ दे आर गोइंग थ्रू दिस सो दे कैन वर्क ऑन इट. दैट्स इट, लव यू बेस्टीज. नो नो नो, लव यू बेस्टीज, बाय.